guys, in this video we will see the reverse pattern, how to make reverse pattern. Last time हमने देखा था कि 1 to 5 हमने प्रिंट कराया था इन स्टार, जैसे स्टार में प्रिंट कराया था, तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से स्टार प्रिंट कराए थे. इस बार हम रिवर्स में स्टार को प्रिंट कराएंगे 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से. तो मेथड कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़े से चेंजेस करने होंगे. तो उसके अंदर देखते हैं, ये E20 क्लास बनाई है हमने. क्लास को डिक्लेयर करने के बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने क्लास डिक्लेयर करी, उसके अंदर स्ट्रिंग डिक्लेयर करी और एरे डिक्लेयर किया. मैं ये जो मैं बार बार डिक्लेयर कर रहा हूँ क्लास को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो हमारी मेन क्लास है. हालांकि पॉसिबिलिटी तो ये कि मैं पहले से इसे बना के रख लूँ और फिर आपको प्रिंट करके दिखा दूँ, लेकिन बार बार इस चीज़ को रिटेन करने का, मेथड को बार बार रिटेन करने का ये मकसद है कि ये ज़रूरत है कि बार बार जो जितने भी न्यू यूज़र्स होते हैं, जितने भी यूज़र्स होते हैं, तो अगर प्रोग्राम के अंदर अगर हम इसे स्टार्टिंग से रिटेन में लेके चलेंगे तो मोस्टली यूज़र को ये याद हो जाता है, स्पेलिंग वाइज हो जाता है. ज़्यादातर मिस्टेक नहीं होती ये पब्लिक में स्टैटिक कैप से तो नहीं आना या स्ट्रिंग स्मॉल में तो नहीं आना. तो और एरे किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, तो ये सारी बेसिक चीज़ें जितनी भी होती हैं ये प्रोग्रामिंग में हमें मतलब डीप में याद हो जाती है. जब हर प्रोग्राम में हम इसको यूज़ करेंगे रूटीन में रख के, ऐसा नहीं कि हम पहले से इसको रख लें बाद में जो है फंक्शनैलिटी डिक्लेयर कर दें. तो उससे बहुत सारी चीज़ें क्या होता है, फंक्शनैलिटी तो आती याद किसी स्टूडेंट से याद रह जाती है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिर भूल जाता है कि पब्लिक में पीक कौन सा लगेगा, स्टैटिक नॉर्मल लिखा जाएगा या कैप्स में लिखा जाएगा, मोस्टली से स्ट्रिंग या कैप्स आता है. तो उस कंडीशन के अंदर ये बेसिक चीज़ें स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चलते हैं इंटीजर, हमें डिक्लेयर कर दिया इंटीजर इक्वल्स टू 5. ठीक है, यहाँ पर फॉर लूप डिक्लेयर किया हमने. फॉर लूप के अंदर हमने इंटीजर आई को लिया, आई इक्वल्स टू 5. ठीक है, 5 की यहाँ पे हम काम करेंगे इंटीजर में. जब हमने ऊपर डिक्लेयर किया तो एन ले लेंगे यहाँ पर, और इसको एन के अंदर हम यहाँ स्टोर करना भूल गए थे, यहाँ पर एन में स्टोर करा लिए. और यहाँ पर नेक्स्ट उसमें आई हायर देन इक्वल्स टू 0. डैश देन कर देना इसको 0 से नीचे तक चलने तो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे आई माइनस माइनस, उसके अंदर क्लियर करेंगे हम यहाँ पर और इंटीजर जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू आई और जे प्लस प्लस. अंदर हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे एक चीज़, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. प्रिंट के अंदर हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे स्टार को, डिक्लेयर करते हैं हम स्टार पैटर्न बनाने के लिए. स्पेस से यहाँ पर सेंटर से बंद कर दिया, इसके अंदर सिस्टम डॉट on dot print ln. ये एक प्रोग्राम हमने बनाया, ठीक है, सेव करके देखते हैं, देखते हैं इसमें कोई किस तरीके की गिरावट. ट्यूटोरियल में सेव करते हैं और लास्ट प्रोग्राम था हमारा 19, तो P20 करके इसको सेव कर लेते हैं. डॉट जावा ये प्रोग्राम बनाया हमने, स्टोर किया, ये बना के सेव कर लिया. इंटीजर या इंटीजर के अंदर आई आएगा आई इक्वल्स टू एन, आई लेस देन 0 एंड आई माइनस माइनस. ये हमने कंडीशन लगाई यहाँ पर, जे की कंडीशन लगाई लूप के अंदर, और इसके अंदर हमने स्टार को प्रिंट कराया. इसे कंपाइल करके देखते हैं,
प्रॉपर तरीके से हमारा कंपाइल हो रहा है, इनमें कोई एरर नहीं। ठीक है, रन करके देखते हैं, रनिंग कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है इसकी, मतलब चेक कर लेते हैं। हायर रन करके देखते हैं, हायर रन 0 से इसको कंपाइल किया हमने, रन किया। ठीक है, ये हमारा एक पैटर्न आया है। यहाँ पे थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई थी, हमें आई लेस देन 0 कर देता। अगर आई लेस देन 0 पर कर देंगे तो 0 से नीचे पे तो प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 0 ही है सब, फिर 5 से तो हमें हायर देन 0 करना है कि 5 से 1 तक प्रिंट हो। तो ये जो हमने स्टार प्रिंट कराए दिए, और ये यहाँ पे जे डी कंडीशन चलाई, उसके अंदर स्टार को प्रिंट कराया, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन से हमें नेक्स्ट टाइम पे कराया प्रिंट। ठीक है, और एक यहाँ पे हमने स्पेस के लिए नेक्स्ट लाइन के लिए ये यहाँ प्रिंट करा के एक नेक्स्ट लाइन में मूव करा दिया। तो ये हमारा स्टार पैटर्न आ गया। लास्ट प्रोग्राम के अंदर जो हमारा पैटर्न यूज़ किया गया था वो 1 to 5 यूज़ किया गया था, पहले 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से 5 टाइम पैटर्न यूज़ हो रहा था हमारा। इस कंडीशन के अंदर हमने रिवर्स में प्रिंट कराया कि 5 4 3 2 1। ठीक है, इसके अंदर एक प्रोग्राम और जैसे मैं आपको बताऊँ, सिंपल सा चेंज करने पर एक मतलब लॉजिक हल्का सा लगाएंगे हम, और कोई भी हमारी चीज़ डिफरेंट जो हम चाहते हैं हो जाएगी। यहाँ पे अगर हमने जे को प्रिंट करा दिया, मैंने जे को यहाँ पे पास किया जो हमारा प्रिंट कराना है हमें, और फिर इसको कंपाइल किया। इस कंपाइल कंडीशन में देखें, इस बार हमारे जो है वो नंबरिंग प्रिंट हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1। ठीक है, तो स्टार पैटर्न की जगह हम ये नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं दोनों तरीके से प्रिंट करा के दिखाऊंगा एक साथ, जिसमें 1 to 5 एंड 5 to 1 दोनों प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा 5 तक, फिर रिवर्स में जाएगा 5 to 1। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वो देखते हैं, उसको प्रिंट कराएंगे। इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो रहेगा। जैसे मुझे ये भी थोड़ा सा यहाँ पे हो गया था कन्फ्यूज़न, तो ये प्रैक्टिस थी तो इसलिए यहाँ पे एकदम से हमें मिली कि हमारी बग कहाँ पर आ रही है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये कोडिंग आपकी प्रैक्टिस से ज़्यादा इंप्रूव होती है। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर और देखते हैं पैटर्न प्रोग्राम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट।